अकबा की पहली और दूसरी बैत के बाद यसरिब में मुसलमानों को अमन और पनाह की जगह मिल गई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुसलमानों को इजाजत दे दी कि वो अपना वतन छोड़कर शहर मदीना हिजरत कर जाएं। मक्का में अब गिनती के चंद मुसलमान रह गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हो और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हो को खास अहमियत देते थे। इसीलिए कुरैश को अंदाजा था कि अब ये तीनों भी मदीने चले जाएंगे। इन्हें मुसलमानों की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत और वहां इनके इज्तिमा से अपने दीन, अपनी तिजारत और अपने वजूद के लिए भी खतरा महसूस हुआ। चुनाचे वो 26 सफर 14 नबूवत बमुताबिक 16 सितंबर 22 ईस्वी जुमेरात के दिन पहले पहर गौर खौस के लिए दार उन नदवा में जमा हुए। इस इज्तिमा में कुरैश के करीबन सभी सरदार मौजूद थे। इबलीस भी नजद के एक शेख जलील की सूरत में इजाजत लेकर इनमें शरीक हुआ। इन सब लोगों को असल मसला पेश किया गया। सब ने अपने अपने अंदाज में और अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक तजवीज पेश की, लेकिन हर तजवीज में कोई न कोई खामी महसूस हुई। इसलिए तमाम तजावीज रद्द कर दी गईं। अब अबू जहल ने कहा, इसके बारे में मेरी एक राय है। मैंने देखा है कि तुम अब तक इस पर नहीं पहुंचे। वो राय यह है कि हम हर कबीले से एक मजबूत साहिब नसब और बांका जवान मुंतखब करें। इनमें से हर एक को एक एक तलवार दें। इसके बाद सब के सब उस शख्स का रुख करें और उसे एक ही वार में इस तरह कत्ल करें कि सबकी तलवारें उस पर पड़े। इस तरह उसका खून सारे कबाइल में बिखर जाएगा और अब्दे मनाफ सारे कबीलों से जंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए दियत यानी खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और वो हम इन्हें दे देंगे। शेख नजदी यानी इबलीस ने फौरन कहा, ये हुई बात जो इस जवान ने कही। राय हो तो ऐसी, बाकी सब बेकार। बाकी लोगों ने भी इस राय को मंजूर किया और फिर इसकी तैयारी में लग गए। अबू जहल के इस शैतानी मंसूबे पर अमल करने के लिए एक रात सब कबीलों के बहादुर हाथों में तलवारें लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चारों तरफ छुपकर खड़े हो गए। ये कुरैश का मक्र था, लेकिन उन्होंने ये मक्र अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मुकाबले में किया था। इसलिए अल्लाह ने इस तरह का वार किया कि वो समझ भी ना सके। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की साजिश की खबर दी, हिजरत की इजाजत दी, दिन और निकलने का वक्त मुकर्रर किया और कुरैश के मक्र को रद्द करने का प्रोग्राम बनाया। चुनाचे फरमाया, जिस बिस्तर में आप सोया करते हैं, आज की रात उस बिस्तर पर न सोएं। चुनाचे उस रात आपने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया। कुफार ने आपके बिस्तर पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चादर ताने सोए हुए देखा तो गुमान किया कि आप सो रहे हैं। चुनाचे फख्र और गुरूर से मटकने लगे और आपकी घात में बैठ गए, ताकि जब आप उठकर बाहर निकलें तो सब आप पर टूट पड़े। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन इस हालत में कि ये लोग आपके घर को घेरे में लिए हुए थे, बाहर तशरीफ लाए। आप उस वक्त सूरह यासीन की आयत 9 तिलावत फरमा रहे थे। وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ। हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक लिया और वो देख नहीं रहे हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी निगाहें पकड़ ली और वो आपका कतन एहसास न कर सके। इसके बाद आप अपने घर से उसी वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के घर तशरीफ ले गए और उन्हें अल्लाह के हुक्म की खबर दी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो पहले ही हिजरत के लिए तैयार थे। चुनाचे उन्होंने अपना तमाम असासा 6000 दिरहम और सत्तुओं का थैला लिया और मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने यमन का रुख किया और फजर की पौ फटने से पहले सौर नामी पहाड़ के एक गार तक जा पहुंचे। कोहे सौर मक्का मुअज़्ज़मा से 5 मील दूर जुनूब मगरिब में वाक़े है। इस वीरान पहाड़ में एक तंग गार है। ये गार सौर के नाम से मशहूर है। ये गार अब तक मौजूद है। मक्के से मदीना शिमाल की तरफ है। कुरैश का ख्याल था कि आपने अपना सफर शिमाल ही की तरफ किया होगा, लेकिन आप अपने सफर का आगाज मुखालिफ समत से करके गारे सौर में जा पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो भी आपके साथ थे, इसलिए उन्हें यार गार कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार के साथ 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में रहे। रात की तारीकी में सैय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के फर्जंद सैय्यदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हो दुश्मनों की सरगर्मियों की इत्तिलात पहुंचाते रहे। उधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के गुलाम आमिर बिन फुहरा बकरियां चराते रहते, और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो उन बकरियों को लेकर उनके पास पहुंच जाते। इस तरह दोनों हजरात दूध नोश फरमा लेते। फिर सुबह सवेरे ही आमिर बिन फुहरा बकरियां हाँक कर चल देते, और वो बकरियों को अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हो के कदमों के निशानात पर से ले जाते ताकि वो निशानात मिट जाएं। बाकी रहे कुरैश तो उनके जवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने के इंतजार में घर को घेरे बैठे रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह होने पर जब सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो आपके बिस्तर से उठे तो कुरैश के होश उड़ गए। उन्होंने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे इल्म नहीं। इस पर उन्होंने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो को मारा और घसीट कर खाना काबा तक ले गए। कुछ देर कैद रखा, फिर जब महसूस किया कि उन्हें कैद में रखने का कोई फायदा नहीं तो छोड़ दिया। इसके बाद ये लोग सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हो के घर आए। उनकी साहिबजादी सईदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा से उनके बारे में पूछा। उन्होंने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। इस पर खबीस अबू जहल ने उनके रुखसार पर इस जोर का तमाचा मारा कि कान की बाली गिर गई। फिर उन्होंने हर तरफ आपकी तलाश शुरू कर दी और ये ऐलान भी किया, जो कोई इन दोनों को जिंदा या मुर्दा हाजिर करे उसे हर एक के बदले 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। इस तरह बहुत से लोग इनाम के लालच में निकल खड़े हुए। कुछ तलाश करने वाले गारे सौर तक भी जा पहुंचे। वो गार के इस कदर नजदीक पहुंच गए कि अगर झुककर नीचे देख लेते तो उन्हें देख लेते। ये सूरत हाल देखकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हो फिक्रमंद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गमजदा देखकर फरमाया, अबू बकर, ऐसे 2 आदमियों के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो? गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। इस वाकये का जिक्र सूरह तौबा की आयत 40 में आया, जिस वक्त उन्हें काफिरों ने निकाला था कि वो 2 में से दूसरा था, जबकि वो दोनों गार में थे। जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात को पस्त कर दिया, और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। पीर की रात रबीउल अव्वल यकुम हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से बाहर तशरीफ लाए। आपने एक शख्स अब्दुल्लाह बिन अरीकत को उजरत पर रहनुमाई के लिए मुकर्रर कर लिया था। यह शख्स अगरचे कुरैश के दीन पर था, लेकिन उस पर आपको एतिमाद था। वो वादे के मुताबिक 2 सवारियां लिए जबल सौर के दामन में आ गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने कूच किया। उनके साथ आमिर बिन फुहरा भी थे। अब्दुल्लाह बिन अरीकत आपको लिए पहले जुनूब की जानिब यमन के रुख पर दूर तक चला, फिर मगरिब की तरफ मुड़ा और साहिल समुंदर का रुख किया। साहिल के करीब पहुंचकर वो शिमाल की तरफ मुड़ गया और एक ऐसे रास्ते पर चला कि उस पर कोई मुश्किल ही सफर करता था। दूसरे दिन ये मुख्तसर सा काफिला एक खेमे के पास पहुंचा। ये खेमा कुदैद के अतराफ में मुशल के इलाके में था। मुशल मक्का मुअज़्ज़मा से 130 किलोमीटर के फासले पर है। इस खेमे में एक औरत मौजूद थी। आपने उस औरत से फरमाया, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उसने माजरत की और बताया, मेरी बकरियां चरने के लिए गई हैं। खेमे में आपको एक बकरी नजर आई, वो बहुत कमजोर थी, रेवड़ के साथ नहीं जा सकती थी, इसलिए खेमे में मौजूद थी। उसके थनों में नाम को भी दूध नहीं था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो हम इस बकरी का दूध दोह लें। यह सुनकर उसने कहा, इस बकरी में दूध कहाँ? आपने फरमाया, आप इजाजत तो दें। उसने इजाजत दे दी। आपने उसे दोहा तो दूध से एक बर्तन भर गया। बर्तन इतना बड़ा था कि एक पूरी जमात मिलकर उसको उठा सकती थी। उम्मे माबत की हैरत की इंतहा न रही। आपने पहले उसे दूध पिलाया, जब वो सैर हो गई तो अपने साथियों को पिलाया, जब वो भी सैर हो गए तो आपने दूध नोश फरमाया। फिर उस बर्तन को थनों के नीचे रखकर दूध दोहा, वो बर्तन दोबारा भर गया। बर्तन उम्मे माबत के पास छोड़कर आप आगे रवाना हुए। बकरियां चराकर जब उस औरत का खावन घर आया तो दूध से भरा बर्तन देखकर हैरान हुआ। दरियाफ्त करने पर उम्मे माबत ने सारी बात कह सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया सर से लेकर पांव तक और बातचीत का अंदाज तक उसे बताया। ये सुनकर अबू माबद बोल उठा, ये तो वल्लाह साहिब कुरैश हैं। मेरा इरादा है कि आपका साथ इख्तियार करूं और कोई रास्ता मिला तो ऐसा जरूर करूंगा। कहा जाता है कि दोनों मियाँ बीवी कुछ अरसे बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे और इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए। आप कुदैद से आगे बढ़े। उधर सुराका बिन मालिक बिन जोशम मुदलिजी ने कुरैश के इनाम का ऐलान सुनकर लालच में आकर अपने घोड़े पर आपका पीछा किया और कुदैद तक पहुंच गया। आपके नजदीक पहुंचा तो उसका घोड़ा फिसल गया। सुराका नीचे आ गिरा। वो उठा और फाल के तीर निकाले। देखना चाहता था कि उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला। तीर वो निकला जो नापसंदीदा था, लेकिन उसने बुरी फाल की परवाह न की। फिर सवार होकर आगे बढ़ा। वो इस हद तक करीब पहुंच गया कि आपकी क़िरात की आवाज़ सुनाई देने लगी। आपने उस तरफ कोई तवज्जो न की, जबकि सैदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हो बार बार मुड़कर देख रहे थे। ऐसे में अचानक उसके घोड़े के अगले दोनों पांव जमीन में धंस गए, यहां तक कि घुटनों तक जा पहुंचे और वो एक बार फिर नीचे गिरा। सुराका ने घोड़े को डांटा, उसे बड़ी मुश्किल से खड़ा किया, उसके पांव जमीन से निकाले। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके पांव के निशानात से धुएं जैसा गुबार आसमान की तरफ उड़ रहा था। सुराका ने फिर फाल के तीर निकाले। फिर वही नापसंदीदा तीर निकला। इससे उस पर जबरदस्त खौफ और रोब तारी हो गया और उसे यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला गालिब आकर रहेगा। चुनाचे वो पुकार उठा, मुझे अमान दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी ठहर गए। ये आपके नजदीक चला आया और बतलाया कि कुरैश ने क्या तय किया है और वो खुद किस इरादे से आया था। फिर उसने सामान सफर और माल की पेशकश की। आपने कुछ लेने से इनकार फरमाया, अलबत्ता उससे फरमाया, तुम हमारे बारे में किसी को न बताना। सुराका ने परवाने अमन का मुतालबा किया। आपने आमिर बिन फुहरा को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े पर लिख दिया। फिर सुराका वहां से वापस पलटा और जो कोई आपकी तलाश में मिला उससे कहता गया, मैं इस तरफ की खोज ले चुका हूँ, यहाँ तुम्हारा जो काम था मैं कर चुका हूँ। इस तरह तलाश करने वाले उस रास्ते पर आगे न बढ़ सके, वापस लौटते चले गए। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरैदा बिन हसीब असलमी मिले। ये अपनी कौम के सरदार थे। कुरैश ने जिस जबरदस्त इनाम का ऐलान कर रखा था, उसी के लालच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तलाश में निकले थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ और बातचीत हुई तो नक़द दिल दे बैठे और अपनी कौम के 70 आदमियों समेत वहीं मुसलमान हो गए। फिर अपनी पगड़ी उतार कर नेजे से बांध ली, जिसका सफेद फुरैरा हवा में लहरा रहा था और बशारत सुना रहा था कि अम्न का बादशाह, सुलह का हामी, दुनिया को अदालत और इंसाफ से भरपूर करने वाला तशरीफ ला रहा था। आप वादिये रीम में पहुंचे तो सैय्यदीना ज़ुबैर बिन अव्वाम से मुलाकात हुई। ये मुसलमानों के एक तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस आ रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सफेद पारचाजात पेश किए। सोमवार 8 रबीउल अव्वल 14 नबूवत बमुताबिक यकम हिजरी 23 सितंबर 622 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए।